So our next part is model verb passive voice and imperative sentence passive voice. सबसे पहले model verbs मैं आपको इस वीडियो में डिटेल तो नहीं बता सकती, बट हम कोशिश करेंगे कि इसके हम passive अच्छे से कवर करें. जहाँ अच्छा एक और बात, मैंने फर्स्ट वीडियो में जो ये वीडियो देखने आया है, सबसे पहले वो फर्स्ट वीडियो पर जाएं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक गिवन है, पहले उस वीडियो को वॉच करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, आपको रूल्स पता हों पैसिव के, देन आप इस वीडियो पर आएं तो आपको इजीली ये वीडियो मिनिमम 5 मिनट्स में समझ आ जाएगी. नाउ नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहले ये सारे मैंने जो लिखे हुए ये सारे मॉडल वर्ब्स होते हैं. बस आपने एक चीज याद रखनी है, वो मॉडल वर्ब्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हों प्रेजेंट में उनके साथ हम बी लगाते हैं, और वो मॉडल वर्ब्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हों पास्ट में उसके साथ हम बीन लगाते हैं. ठीक है, अब नाउ पास्ट और प्रेजेंट हमें कन्फ्यूजन होती रहती है, तो सिंपल आपको एक ट्रिक है, आपने याद रखना है जिस मॉडल वर्ब्स के साथ हैव आ जाए, लाइक दो वर्ड्स, ऐसे नहीं यहाँ पे आ रहा है ये हैज टू, ये नहीं, लास्ट में हैव आ जाए, जैसे कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, वुड हैव, माइट हैव या मे हैव, तो उसके साथ आपने बीन लगाने हैं, बाकी एज इट इज आपका सारा चलता रहेगा. अब मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, ही मे पनिश यू, तो आपको पता है हमारे पास 4 रूल्स हैं पैसिव वॉइस के. सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में चेंज होता है. नाउ हियर मेरे पास ये सब्जेक्ट है, ये मेरे पास वर्ब है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा तो यू का यू आ गया यहाँ पे. ठीक है, देन सेकेंड रूल आपको पता था कुछ चेंजेस होती हैं. ठीक, यहाँ पे टेंसेस की चेंजेस तो है नहीं, यहाँ पे मेरे पास मे है, मे के साथ मैं क्या लगा दूंगी, बी लगा दूंगी, सिंपल यू मे बी, चेंजेस हो गई. देन थर्ड रूल क्या है, आप लोगों को याद आ रहा होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, यू मे बी पनिश्ड यहाँ पे आ गया, पनिश्ड ईडी आ गया, देन उसके साथ आ गया बाय, क्लियर. और लास्ट रूल हमारा क्या था कि सब्जेक्ट किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, ही किस में चेंज हो जाएगा, हिम में चेंज हो जाएगा, क्लियर है. नाउ नेक्स्ट, अब हम ही हिम में चेंज हो गया, ये मैंने सारे रूल्स बताए हुए फर्स्ट वीडियो में, और मैं कोशिश करूंगी कि आपके सामने इसके रूल्स का एक बार चार्ट अगेन चला दूं. नाउ वी मस्ट रेज दिस मैटर, सबसे पहले वही हमने पहचानना है, व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट. दिस मैटर मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट में चेंज कर दूंगी, दिस मैटर का मैटर आ गया, फर्स्ट रूल डन. सेकेंड रूल हमारा चेंजेस है, चेंजेस मेरे पास क्या आ रही है, मस्ट आ रहा है इधर, मस्ट नाउ, मस्ट है इधर मेरे पास कहीं पर, ओके जी यहाँ पे मैंने मस्ट भी लिख दिया है. ठीक है, मस्ट के साथ भी हमारा क्या लगेगा, बी लगेगा, के साथ भी हमारा क्या लगेगा, बी लगेगा, यहाँ पे सिर्फ मस्ट आ रहा है तो यहाँ पे चेंजेस पे मैंने लिख दिया दिस मैटर मस्ट बी, क्लियर. थर्ड रूल हमारा क्या था, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, रेज मेरे पास वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म आ गई रेज्ड, रेज के साथ आ गया बाय. नाउ लास्ट रूल इज सब्जेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में, वी जब ऑब्जेक्ट में आ जाएगा तो हो जाएगा अस. नाउ यू शुड हैव अटेंडेड द क्लास टुडे, अब यहाँ पर मैंने कुछ बताया भी था कि कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी हमारे पास होते हैं, यू तो मेरा सब्जेक्ट है, शुड हैव तो मेरा हेल्पिंग वर्ब है एक तरह से, लाइक मॉडल वर्ब है, ये मेरा वर्ब है और द क्लास मेरा ऑब्जेक्ट है, टुडे मेरा एक्स्ट्रा वर्ड है, उसको मैं अभी इग्नोर करूंगी, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, तो द क्लास आ गया. देन मेरे पास चेंजेस है, अब मेरे पास शुड हैव आ रहा है, मैंने आपको बताया था शुड हैव के साथ क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा, द क्लास शुड हैव बीन, इतना आ गया, चेंजेस हो गई. देन थर्ड रूल, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, अटेंड मेरा वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म भी मेरी अटेंडेड ही होगी, बाय आ गया उसके साथ, एंड लास्ट में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, यू का यू ऑब्जेक्ट में गया तो यू ही रहेगा. नाउ टुडे का टुडे एज इट इज आ गया, क्योंकि ये मेरे पास एक्स्ट्रा वर्ड था. शी वुड हैव गिवन यू द बुक्स, नाउ पहले पहचान लो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये तो मॉडल वर्ब है ना हमारा, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये एक्स्ट्रा वर्ड है, तो इसको अभी हमने नहीं छेड़ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया, यू सब्जेक्ट में आ गया. देन सेकेंड रूल मेरे पास चेंजेस थी, चेंजेस मेरे पास वुड हैव की क्या है, बीन है, वुड हैव के साथ मैंने लगा दिया बीन, You would have been. थर्ड रूल क्या था, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, गिव, गिव की थर्ड फॉर्म भी गिव नहीं है, बाय का बाय आ गया, और लास्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, शी जब ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया तो हो गया हर, और द बुक्स मेरे पास एक्स्ट्रा वर्ड है तो मैंने एज इट इज लिख दिया. अब आपकी स्क्रीन पर कुछ एक वर्कशीट आएगी जिसको आपने सॉल्व करना है इन मॉडल वर्ब्स को देख के कि किसके साथ कौन सी चीज एड होगी, एंड देन अपने आंसर्स मैच.
नाउ लेट्स स्टार्ट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंस होते क्या है हमें तो ये पता ही नहीं होता. इम्पेरेटिव सेंटेंस से मुराद ये है हम कब कोई भी ऑर्डर करें या कोई भी रिक्वेस्ट करें तो वो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस में शामिल होता है. और एक और बात, इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट गिवन नहीं होता, सब्जेक्ट इज नॉट गिवन. ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा हैंग द क्लॉथ्स, क्लॉथ्स जो है वो हैंग कर दो. अब यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट शो नहीं किया कि किसको कह रही हूँ, मैंने सिंपल ऑर्डर दिया कि क्लॉथ्स को हैंग कर दो. रिस्पेक्ट द एल्डर्स, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो. जो हम ऑर्डर कर रहे हो या हम ये कर दें प्लीज टर्न ऑन द लाइट, प्लीज टर्न ऑफ द लाइट, तो ये सारे हमारे इम्परेटिव सेंटेंस के जुमले में आते हैं. ठीक है, जिसमें हम उस बंदे को शो नहीं करते, उस बंदे का नाम नहीं लेते, हम डायरेक्ट ऑर्डर कर रहे होते हैं या तो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं. जैसे अब कुछ यहाँ पे आपके पास बनी हुई है. फर्स्ट है स्पीक द ट्रुथ. आपको इसके अंदर बस दो चेंजेस करनी है, एक लेट की और एक बी की. स्पीक द ट्रुथ, तो यहाँ पे सिंपल द ट्रुथ जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पहले आ गया, उससे पहले लेट लगा देंगे. क्या लगा देंगे? लेट. देन द ट्रुथ आ गया, उसके आगे सिर्फ क्या ऐड कर देना? बी. लेट द ट्रुथ बी. और स्पीक की थर्ड फॉर्म आ जाएगी स्पोकन. यही चीज तो हमने अपने जहन में बिठानी ही है कि पास्ट पैसिव वॉइस में हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. द ट्रुथ लेट आ गया, उसके बाद द ट्रुथ आया, उसके बाद बी की एडिशन कर दी और जो स्पीक है वो एंड में आ गया स्पोकन बन के, वर्ब की थर्ड फॉर्म बन के. फिर से एक बार, ओपन द डोर, डोर ओपन कर दो. लेट आ गया पहले, देन हमने द डोर लिखा, देन बी लिख दिया जो जो दो वर्ड्स हैं और ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन आ गई. कम्प्लीट द वर्क, पहले लेट आ गया फिर द वर्क आ गया फिर बी लगा दिया फिर कम्प्लीटेड आ गया. ठीक है, मैं आपको स्ट्रक्चर नहीं बता रही, हम डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल देखेंगे. टर्न ऑफ द टेलीविजन, पहले क्या आ गया? लेट आ गया, द टेलीविजन आ गया जो ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है. ठीक है, देन बी आ गया और लास्ट में टर्न ऑफ का टर्नड ऑफ हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो गया. सब में देखे वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो रहे हैं. लर्न योर लेसन, लेट आ गया, देन ऑब्जेक्ट हमारा योर लेसन वो आ गया, उसके बाद बी की एडिशन कर दी और लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड आ गई. किल द स्नेक, लेट आ गया, द स्नेक ऑब्जेक्ट है वो आ गया, बी आ गया, लास्ट में किल की थर्ड फॉर्म किल्ड आ गई. पनिश हिम, लेट आ गया, उसके बाद हिम मेरा ऑब्जेक्ट है, हिम आ गया, बी एड कर दिया और पनिश का पनिश्ड कर दिया. हेल्प द पुअर, लेट का लेट आ गया, पहले द पुअर आया फिर बी आया, देन हेल्प का हेल्प हो गया. होप अब आपको समझ आ गया होगा. देन अब हम सॉल्व करते हैं. हैंग द क्लॉथ्स, सबसे पहले मेरे पास लेट आ जाएगा, उसके बाद द क्लॉथ्स जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा, लेट द क्लॉथ्स, देन मेरे पास बी की एडिशन हो जाएगी और हैंग की थर्ड फॉर्म मेरे पास आ जाएगी हंक. नाउ रिस्पेक्ट द एल्डर्स, सबसे पहले मेरे पास आ गया लेट, देन द एल्डर्स आ गया जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है, देन आ गया बी और लास्ट में क्या आ गया? रिस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड. लेट द एल्डर्स बी रिस्पेक्टेड. लेट योर कैमरा बी रिपेयर्ड. नाउ पेपर में ऐसा आ सकता है आपके एग्जाम में कि आपको पैसिव दे दिया जाए ना आपने एक्टिव बनाना हो. बिल्कुल ईजी है, हम कब से पैसिव बना रहे हैं, अब हमने एक्टिव में चेंज करना है. लेट योर कैमरा बी रिपेयर्ड, आपको याद होना चाहिए कि जो लास्ट वर्ड है, जो लास्ट में आप लगाते हो वो शुरू में आता है, जो लास्ट में आप लगाते हो वो शुरू में आता है. ठीक है, लेकिन वो फर्स्ट फॉर्म में आता है रिपेयर. ठीक है, आगे बी और लेट तो आता नहीं है एक्टिव में. ठीक, हम बस द एल्डर्स आ गया तो यहाँ पे योर कैमरा आ गया, लेट और बी को छोड़ दिया, बचा क्या? योर कैमरा आ गया, खत्म. देन ये वाला पहले सॉल्व करते हैं. लेट योर मोबाइल बी यूज्ड, अब मेरे वही का जो लास्ट में लगाते हैं वो एक्टिव में शुरू में आ जाता है, यूज आ गया. आगे लेट और, आगे लेट और बी तो आता नहीं है तो योर मोबाइल बचा, यूज योर मोबाइल आ गया. ठीक है, देन लास्ट अब यहाँ पे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए पानी का ग्लास ले आओ, एक्टिव है. कैसे बचाना? एक्टिव है क्योंकि लेट नहीं लगा हुआ. यहाँ पे पहले लेट लिखा, देन अ ग्लास ऑफ वाटर मेरा ऑब्जेक्ट है, मैंने अ ग्लास ऑफ वाटर लिख दिया. उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा. देन ब्रिंग की थर्ड फॉर्म मेरे पास आ गई ब्रॉट, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट. अब आपके पास कुछ वर्कशीट है, देन आप सॉल्व करें और अपने आंसर्स को मैच करें.